हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजकिशोर सर आप सभी को यूट्यूब चैनल पर मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स बताएंगे और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम समझेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जीरो लेवल से मैं आपको बताना शुरू करूंगा, यानी जहां से मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स में एकदम बिल्कुल जीरो से बताना शुरू करूंगा, यानी समझिए कि उसे कुछ कम कुछ होता ही नहीं है। तो आइए, और ऐसे में आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल बिना याद किए हुए आप केवल समझ के आधार पर आपके दिमाग में हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहेगा। दोस्तों, 2 मिनट तक आप वीडियो में बने रहिए, 2 मिनट बने रहेंगे ना, अगले हमेशा आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपके दिमाग से नहीं निकलेगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब देखिए मेरा विश्वास आपको इस सच्चाई में कैसे बदलता है। दोस्तों, सबसे पहले हमें आज समझना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों, मैं इस चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। दूसरा आपको बता चुके हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन आपको बता चुके हैं, और प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन के बारे में हम आपको बता चुके हैं, वो जरूर आप देख लीजिएगा, तब जाकर दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। तो आइए दोस्तों, मैं बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले यहां पर फ्लक्स है, फ्लक्स अंग्रेजी शब्द है, इसको हिंदी में अविवाह कहते हैं, इसको हिंदी में अविवाह कहते हैं। और दोस्तों, यानी इसको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी दोस्तों ये क्या है, विद्युतीय फ्लक्स है, इसको विद्युत फ्लक्स कह सकते हैं या विद्युतीय फ्लक्स कह सकते हैं, विद्युतीय फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स दोनों कह सकते हैं। दोस्तों, हमेशा 10+2 के पेपर में आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत फ्लक्स क्या है तथा इसका ए सही मात्रक दे। तो समझ जाइए दोस्तों, 2 नंबर का काम आज इस वीडियो से आपको मिल जाएगा 100%। दोस्तों देखिए, विद्युत फ्लक्स क्या है, आइए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ते हैं सरफेस के लिए पढ़ते हैं। देखिए किसके लिए पढ़ते हैं, सरफेस के लिए पढ़ते हैं। आज सरफेस का संबंध जानते हैं किससे रिलेटेड होगा, ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको फाई से सूचित करते हैं, या फाई ई से सूचित किया जाता है। क्योंकि जानते हैं दोस्तों, यहां पर अभी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे हैं, आगे आप मैग्नेट में पढ़ेंगे तो वहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ने को मिलेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई या फाई ई से सूचित किया जाता है। दोस्तों, एक बात और इसमें रिमार्क आपको बता दूं कि जो फ्लक्स फाई है ये स्केलर क्वांटिटीज है, देखिएगा स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और जानते हैं दोस्तों, ये जो फाई है इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। देखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर होता है, क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। तो दोस्तों, ऑब्जेक्टिव के लिए 2 बात आपको बता दिए, लेकिन अभी विद्युत फ्लक्स क्या होता है चलिए इसको अब समझते हैं, इसी वक्त इसी तरह से आपको मैं बता रहा हूं। तो आइए दोस्तों, चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानते हैं दोस्तों क्या है, यानी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के लिए हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं कि देखिए यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, नजर मत हटाइएगा दोस्तों, यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है। आपको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, निकलता है, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलता है। क्यों निकलता है आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, बहुत सारे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन को बाहर की तरफ दिखा दिए हैं,
चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा, बाहर की तरफ निकलता है, और निगेटिव चार्ज रहे तो इस पर निगेटिव चार्ज पर आकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइने क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब यहां पर देखिएगा, हम एक सरफेस ले लेते हैं, देखिएगा एक सतह ले लिए, एक पृष्ठ ले लिए, इस पृष्ठ का नाम यहां पर एक रख दिए, एक और पृष्ठ यहां पर ले लिए, देखिएगा एक और पृष्ठ ले लिए, और इस पृष्ठ का नाम यहां पर मैंने दो रख दिए। अब आराम से आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इस फिगर के अनुसार। यानी हम आपको क्या बताएं कि किसी विद्युत क्षेत्र में, यानी किसी विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये देखिएगा, एक यहां पर पृष्ठ है, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहां पर ये सरफेस है, इस सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस की है, तो एक दो तीन चार की है, कितना की है, चार। तो इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, चार होगा, कितना होगा, चार होगा। अब देखिए, इसको और इसको काउंट नहीं करेंगे, चूंकि ये सरफेस को क्रॉस नहीं किया है, सरफेस के क्षेत्रफल को क्रॉस नहीं किया है, इसलिए यानी कहने का अर्थ क्या क्या होता है कि यानी किसी पृष्ठ के लंबवत, किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो इस पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, एक दो तीन, कितना होगा, चार है, यानी चार है तो चार होगा। अब यहां पर देखिएगा, सरफेस दो की बात कर ले, और इसके लिए हम पूछे कि बताइए इस पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान कितना होगा, तो यहां पर देखिएगा इसको, यानी कितनी क्षेत्र रेखाएं इसको क्रॉस की है, तो एक दो तीन की है, तो इसके लिए फाई का मान कितना होगा, तीन होगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों देखिए, इसको मैं मिटका दे रहा हूं, या इसको इधर से मैं मिटका दे रहा हूं। अब चलिएगा, मैं आपको बताता हूं यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का और बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेकर। दोस्तों देखिएगा, मैंने यहां पर एक ऐसा सरफेस ले लिए, चलिए यहां पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस की है, क्रॉस की है, क्या की है, क्रॉस की है। तो इस सतह के परपेंडिकुलर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस की है इस सरफेस के लिए, उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान होगा। तो कितना होगा, फाइव बराबर एक दो तीन चार पांच छह, कितना होगा, छ। ऐसा छ गो नहीं है, अभी तो ऐसा छ गो दिखाई दे रहा है, एक काल्पनिक वर्क होता है, बहुत सारा निकलेगा, ठीक है। अब चलिए यहां पर अब समझते हैं। अब देखिएगा, जो इलेक्ट्रिक यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर e इंटू ए कॉस थीटा होता है, e इंटू ए कॉस थीटा होता है, इसके लिए हम समझते हैं। अब इसको हम आपको समझाने जा रहे हैं, देखिएगा आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक चीज बताइए, इसको समझाते हैं, अगर ये जो आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्रफल को बढ़ा दे, तो बताइए विद्युत फ्लक्स का मान कम होगा कि ज्यादा होगा, बताइए। तो विद्युत फ्लक्स का मान ज्यादा होगा, क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें और ज्यादा क्रॉस करेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि जो फाई ई होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यानी स्ट्रांग हो, तो विद्युत फ्लक्स का भी मान क्या होगा, स्ट्रांग आपको मिलेगा। पहला बात ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्या हो, यानी इसका डेंसिटी अधिक हो, तो क्या होता है, यानी विद्युत फ्लक्स का मान अधिक होता है। दूसरा का, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दे, इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दे, तो विद्युत फ्लक्स का भी मान क्या होगा, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये होगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ने से, इसके क्षेत्रफल को बढ़ने से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस करेंगी, तो इस पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो आई होप डेट दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको हम यहां से मिटका देते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा जान ले। सबसे पहले जानेंगे यहां पर एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ये जानेंगे।
जैसे जो हम फिगर बनाए थे उसको थोड़ा मोड़ दे, यानी उस फिगर को थोड़ा हम ऐसे बना ले, तो देखिएगा यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस करेंगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस की इसका डायरेक्शन ई वेक्टर, और यहां पर एक फॉर्मूला बताए थे फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये देखिएगा, आ यहां पर फाई बराबर ई वेक्टर और एस वेक्टर, ये वेक्टर का चिन्ह हटाएंगे तो डॉट में आएगा, तो फाई बराबर ई एस कॉस थीटा होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ई वेक्टर क्या है, तो ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रहा है, एस वेक्टर क्षेत्रफल सदिश है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। तो देखिएगा जो जो एरिया वेक्टर होता है ना वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर ई वेक्टर है तो यहां पर आपका क्या होगा, ए वेक्टर हो गया या एस वेक्टर हो गया, इसका परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पर इनके बीच बना कोण थीटा हो गया। तो विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला आप लिख सकते हैं फाई बराबर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, यानी इसको वेक्टर का चिन्ह ऊपर से हटाएंगे तो ई एस कॉस थीटा आपको मिलेगा, ए विद्युत फ्लक्स के लिए फॉर्मूला बना। अब देखिए इसमें आपको विशेष स्थिति के बारे में समझाएंगे, विशेष स्थिति के बारे में हम लोग समझेंगे। एक नंबर, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, देखना यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, तो विद्युत फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। चलिएगा ये टॉपिक बहुत रोचक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स का मान अधिकतम होता है। जैसे यहां पर एक मैंने ऐसा सरफेस ले लिए, चलिएगा यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस की है, तो देखिएगा ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इनकी डायरेक्शन हो गया, तो सरफेस ऐसा है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, आज जो एस वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर होता है, जो पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ए पृष्ठ हो गया, तो इसका लंबवत तो ऐसे ही ना होगा, विद्युत क्षेत्र के दिशा में होगा, मतलब इसी लाइन पर शो करेगा एस वेक्टर, तो इनके बीच का कोण तो थीटा बराबर जीरो डिग्री मिलेगा, तो इसमें रख देंगे इस फॉर्मूला में, तो फाई बराबर क्या होगा, ई एस कोस, थीटा के मान जीरो डिग्री, तो फाई बराबर क्या होगा, ई एस हो जाएगा, क्योंकि कोस जीरो डिग्री का मान एक होता है, तो यहां पर फाई मैक्स मिल गया। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको ये याद रखना है कि यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, जो आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे का हम जानते हैं, तो दूसरे के लिए यहां से हम पूरा इधर मिटका दे रहे हैं, दूसरा समझेंगे कि यहां पर देखिएगा यदि पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो, विद्युत क्षेत्र के समानांतर हो तो विद्युत फ्लक्स का मान, तो विद्युत फ्लक्स का मान शून्य होता है। देखिएगा अगर मान लेते ऐसा कोई सरफेस है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें क्रॉस कर रही है, अच्छा बताइए तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, जीरो होगा, चूंकि एक भी क्रॉस नहीं की है, समानांतर है, ऐसा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ई वेक्टर ऐसा है, आज जो वेक्टर सदिश होता है सतह के लंबवत है, तो ऐसा है, तो लंबवत होगा तो ऐसे ना होगा जी, कितना ऐसे होगा ना, तो यहां पर 90 डिग्री का आइगन बनेगा ना, तो यानी फाई बराबर क्या होगा, ई इंटू एस कॉस थीटा, तो फाई बराबर क्या होगा, ई एस कॉस थीटा का मान 90 डिग्री, तो फाई बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। और विद्युत फ्लक्स क्या होता है, मैंने एक बार और रिकॉल कर देते हैं कि विद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ के लिए क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो दोस्तों आई होप दैट आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप
शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर करेंगे। फिर दोस्तों अगला वीडियो में बताऊंगा गौस प्रमेय क्या है, तब तक के लिए धन्यवाद, मेरा वीडियो भी देखने के लिए धन्यवाद।